अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। चैप्टर नंबर 3, ज़हानत, जिसे गुजराती में कहते हैं बुद्धि, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है गार्डनर का कसीरुल ज़हानती उसूल। हमने 5 उसूल पहले देखे थे, जिसमें हमने स्पीयरमैन का ज़ू अंसरी का उसूल, स्टंगबर्ग का सलासी मजमूए का उसूल, गिलफट का उसूल और आज का हमारा चौथा उसूल है गार्डनर का कसीरुल ज़हानती उसूल, जिसे गुजराती में कहते हैं गार्डनर नो बहुविध सिद्धांत। गार्डनर ने 1983 में ज़हानत के मुतालिक अपने ताशुरात पेश किए हैं। उनकी राय के मुजब ज़हानत वहदानी हैयत के हामिल नहीं है। ज़हानत में अलग अलग अनासिर मौजूद होते हैं। इसने ज़हानत की फैमाइश के लिए जो उसूल पेश किए हैं, उस उसूल को कसीरुल ज़हानती के उसूल के तौर पर पहचाना जाता है। गार्डनर ने एक स्कूल बताया है कि स्कूल में जितने भी तालिबे इल्म होते हैं, उन तालिबे इल्म में सिर्फ 2% लोगों में ज़हानत होती है। फिर लोगों ने पूछा कि बाकी के स्टूडेंट क्या होते, क्या वो इंटेलिजेंट नहीं होते, क्या उनमें कोई ज़हानत नहीं होती? गार्डनर ने जवाब दिया कि हर स्टूडेंट में ज़हानत होती है, हर स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है, लेकिन सबके अलग अलग इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे किसी में लिसानी ज़हानत होंगी, कोई अच्छा बोलता होगा, कोई अच्छा डांस करता होगा, कोई अच्छे से किसी से बात करता होगा, कोई अच्छा गाना गाता होगा, कोई अच्छी पेंटिंग करता होगा। मतलब ज़हानत तो सभी में है, पर अलग अलग किस्म की ज़हानत पाई जाती है। इसी तरह गार्डनर ने पागलखाने जाकर भी ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया, तो उन लोगों में देखा कि पागल जो लोग होते हैं, वो उनका दिमागी तवाज़ुन बरकरार नहीं होता। सिर्फ 2% लोग या 10% उनका IQ होगा, कदरे ज़हानत होंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि उन लोगों में कोई कुछ पागल ऐसे थे जो अच्छी पेंटिंग कर सकते थे, कुछ पागल ऐसे थे जो अच्छा डांस कर सकते थे, कुछ ऐसे थे जो अच्छे से गाना गा सकते थे। मतलब उनका दिमागी तवाज़ुन बरकरार न होने के बावजूद भी उन तमाम में ये ज़हानत पाई गई। गार्डनर की राय के मुताबिक फ़र्द अपने माहौल को समझने और अपने नज़रिए का फ़रोग देने में ज़हानत अहम रोल अदा करती है। इसीलिए उन्होंने ये तमाम का एनालिसिस करके, स्कूलों में एनालिसिस करके, पागलखाने में एनालिसिस किया, ऑब्जर्व किया, उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसी तरह गार्डनर ने ज़हानत के खुसूसी 8 किस्म के औसाफ़ बताए हैं। फ़र्द और फ़र्द के दरमियान औसाफ़ के तनासुब में के मामले में फ़र्क पाया जाता है। गार्डनर ने कहा कि सूरत हाल के अलावा फ़र्द ज़हानत के मुख्तलिफ औसाद में चंद ही औसाफ़ का इस्तेमाल करता है, जिसमें से है सबसे पहले है लिसानी ज़हानत, दूसरा है मंतकी रियाजती ज़हानत, तीसरा है खिलाई ज़हानत, चौथा है जिस्मानी मुतहरिक ज़हानत और पांचवा है बैनुल इनफरादी ज़हानत। उसके बाद है मौसिकी से मुतालिक ज़हानत, दरूने फ़र्द ज़हानत और हमारा लास्ट है फितरी ज़हानत। नवज़ियादा गार्डनर कहते हैं कि तालिबे इल्म जब क्लास का मुताला करते हैं, तालिबे इल्म की क्लास का मुताला किया, तब लिसानी मंतिकी रियाजती ज़हानत, खेल के मैदान में खेलते वक्त जिस्मानी मुतहरिक ज़हानत, या हम क्लास में तुलबा मुदर्रिसीन बुज़ुर्गों या मिसाल को समझने के लिए बैनुल इनफरादी ज़हानत का इस्तेमाल होता है। इसी तरह हम तमाम ज़हानत को 1 by 1 समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लिसानी ज़हानत। इस किस्म की ज़हानत लिखाई, पढ़ाई, बयान, लिसान की पेचीदगी, उसको समझना, अल्फाज को समझना, लोगों को समझाने के लिए इस्तेमाल होता है। तमाम अफ़ाल उसमें ज़ाहिर होते हैं।
ये जहानत ज़्यादातर जो अनाउंसमेंट वगैरह करने में होते हैं उन लोगों में जहानत पाई जाती है। उसके बाद शायर, शायर लोगों में जहानत पाई जाती है। उसके बाद ये जहानत हिस्ट्री मुआरिख जो होते हैं, जो लोग तारीख लिखते हैं, हिस्ट्री लिखते हैं, उन लोगों में जहानत पाई जाती है। उसके बाद ट्रांसलेटर यानी जो तर्जुमा करते हैं, उन लोगों में जहानत पाई जाती है। फिर हमने देखा कि मुसन्निफ राइटर जो होते हैं, उन लोगों में जहानत पाई जाती है। उसके बाद रेडियो पेशकश यानी रेडियो प्रेजेंटेशन जो लोग होते हैं, उन लोगों में भी लिसानी जहानत पाई जाती है, ताकि वो अपने अच्छे अल्फाज, अपनी अच्छी आवाज़ के साथ उसका इस्तेमाल करके लोगों के साथ तामुल करे, कॉम्बिनेशन करे। इसीलिए रेडियो प्रेजेंटेशन जो करते हैं, उन लोगों में भी ये जहानत पाई जाती है। उसके बाद वकील, वकीलों में भी ये जहानत पाई जाती है। वो वकील ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाले को अपनी बातों में कन्विंस कर देते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे रियाजती मंतकी, रियाजती जहानत जिसे गुजराती में कहते हैं तार्किक बुद्धि यानी कि लॉजिक लगाना। रियाजती मंतकी अलामतों का इस्तेमाल रियाजती क़वानीन, कायदे, पोशिदगी, रियाजती आमाल वगैरह और अफ़ाल अंजाम देने में ये जहानत ज़ाहिर होती है। नंबर, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह करने में ये जहानत बहुत माहिर होती है। ये जहानत ज़्यादातर लोगों में जो लॉजिक के ज़रिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उन लोगों में पाई जाती है। उसके बाद ये जहानत इंश्योरेंस ब्रोकर यानी सही फैसला करना, कौन सी चीज़ मेरे लिए सही होंगी, गलत साबित होंगी, मुफीद होंगी, नुकसानदायक होंगी, उन लोगों में जहानत पाई जाती है। उसके बाद ये जहानत माहिरीन कंप्यूटर, जो लोग कंप्यूटर के ज़रिए काम करते हैं, उन लोगों में पाई जाती है। फिर ये जहानत इंजीनियरों में पाई जाती है, ताकि वो आगे क्या होने वाला है कि ज़मीन ये वगैरह लेने में, इसको बनाने में उन लोगों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, मुस्तकबिल के बारे में सोचकर फ़ैसला लेते हैं, तो इंजीनियरों में जहानत पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अर्थशास्त्री जो लोग होते हैं, उन लोगों में जहानत पाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि सुलाहकार, जो दो लोगों में झगड़ा हो और उनको सुलह करावे, उन लोगों में जहानत पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अकाउंटेंट्स जो लोग होते हैं, अकाउंटेंट्स जो अकाउंट के दाखले इजीली सॉल्व करते हैं, जो दाखले आम इंसान बहुत ज़्यादा वक्त लेगा, वो ये कम वक्त में उसको अच्छे से सॉल्व करते, तो उन लोगों में जहानत पाई जाती है। उसके बाद मुहक्किकीन, जो रिसर्च करते हैं, उन लोगों में जहानत पाई जाती है। फिर बैंकर, बैंकर लोगों में भी ये जहानत पाई जाती है। उसके बाद हमारा थर्ड आता है खिलाई जहानत, जहनी अकाइस की तश्कील, फासले से मुतालिक तसव्वुरात की बिना पर फैसला करने की महारत में, मसलों के हल निकालने में, मामलों के तालीम हासिल करने में और पहलियों के खेल में इस जहानत का इस्तेमाल होता है। यानी कि कोई भी अगर मसला हो तो मसले का हल निकालने में कौन सी जहानत का इस्तेमाल होता है? खिलाई जहानत। जो लोग मसले का हल चुटकियों में निकाल देते हैं, तो इसका मतलब खिलाई जहानत उन लोगों में ज़्यादा है। उसके बाद है ये तसव्वुर, यानी कि कोई कहानी सुनाई जा रही हो या कोई पहलुओं का खेल हो, तो उस कहानी का तसव्वुर करना, उसको विजुलाइजेशन करना, जो लोग इस चीज़ों में माहिर होते हैं, उन लोगों में खिलाई जहानत पाई जाती है। उसके बाद प्लानिंग, कि कौन फैसला करना, प्लान करना कि आगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन लोगों में भी खिलाई जहानत पाई जाती है। उसके बाद आता है ये जिन लोगों में ये खिलाई जहानत पाई जाती है, वो लोग इस तरह तस्वीरों के ज़रिए, पेंटिंग के ज़रिए अपने मसलों को हल करते हैं। उसके बाद ये तिब्बी साइंस है यानी फिज़िक्स जो लोग पढ़ाते हैं उन लोगों में भी ये जहानत पाई जाती है। उसके बाद तख्लीक करना, कोई नई चीज़ की तख्लीक करना, नई बुनियाद करना, उन लोगों में ये जहानत पाई जाती है। उसके बाद ये इन्वेंटर्स में भी ये जहानत पाई जाती है कि कौन सी प्रॉब्लम कहाँ पर अटके और उसको किस तरह से हमें
सॉल्यूशन निकालना है, किस तरह से उसे पूरा करना है। उसके बाद ये ग्राफिकर जो लोग होते हैं, जो ग्राफ बनाते हैं, उन लोगों में भी खिलाई जहानत पाई जाती है। फिर हम देखते हैं आर्किटिक जो लोग होते हैं, उन लोगों में भी खिलाई जहानत पाई जाती है। उसके बाद हमारा पॉइंट है मौसीकी से मुतालिक जहानत, यानी संगीत लक्षी जहानत। मौसीकी के सुर, ताल, राग, बंदिश वगैरह की फहम को तरबियत फराहम करने की महारत मौसीकी से मुतालिक जहानत का नतीजा है। यानी गाने गाना, गाने बजाना वगैरह के इलाके में कारगुजारी अंजाम देने वाले माहिरीन या उसमें जहानत का तनासुब ज़्यादा पाया जाता है। जो लोग गाने बजाते हैं, जैसे म्यूज़िक प्रोड्यूसर होते हैं, जो लोग म्यूज़िक बजाते हैं, जो लोग ताल सुर बंदिश वगैरह में फहम उनको तरबियत उसकी हासिल है, तो उन लोगों में जहानत ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद जो म्यूज़िक कंपोज़र जो लोग होते हैं, म्यूज़िक सेट करते हैं, उन लोगों में मौसीकी से मुतालिक जहानत पाई जाती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा और सबसे अहम सिंगर लोगों में ये जहानत सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उन लोगों में म्यूज़िकल इंटेलिजेंट होने की वजह से वो अच्छे से गाने गा पाते हैं, सामने वाले इंसान को इंप्रेस कर पाते हैं, क्योंकि उनमें मौसीकी से मुतालिक जहानत का तनासुब ज़्यादा होता है। उसके बाद ये डीजे वगैरह के जो लोग होते हैं, उन लोगों में भी ये जहानत पाई जाती है। उसके बाद जो वॉइस कोच सिखाने वाले लोग होते हैं कि किस तरह से आवाज़ निकालना है, किस तरह से बोलना है, तो इन लोगों में भी ये जहानत ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह जो गूंगे लोग होते हैं, उन लोगों की ज़बान को समझना, उनके टीचर्स वो क्या कहना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो लिपसिंग के ज़रिए क्या कहना चाहते हैं, उसको समझना, उसको समझाना, उन लोगों में भी ये जहानत ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह हमने आज चार जहानत के मुतालिक फहमाइश की हासिल की। अगले सेशन में हम बाकी चार जहानत के मुतालिक फहमाइश हासिल करेंगे।